हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स आज पढ़ेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में, जो आपका मई 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसा हम लोगों ने इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें काफ़ी सारे जो है हमने क्वेश्चन आंसर्स कराए थे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड थे। तो कुछ 525 के आसपास क्वेश्चन की PDF थी और उसको लेके PDF को लेके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। कुछ कमेंट्स थे एग्जैक्टली इस बात को लेके कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके PDF में से एग्जाम में पूछे गए थे, और एग्जैक्ट परसेंटेज तो किसने नहीं बताया था। एक हमारे बैंकर्स फ्रेंड ने साफ लिखा था कि 70% जो आपका पेपर था, वो जो आपका एग्जाम था 70% पेपर, वो पूरा का पूरा आपका जो है PDF से पूछा गया था। तो 70% अगर आपका पेपर इस PDF से पूछा जा रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया था 8 तारीख को। तो 8 तारीख को जो आपका 8 अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था इंडियन इकोनॉमी वाला, जो आपका पहला पेपर है JIB का, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे PDF को लेकर। जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF प्रोवाइड कराती हूँ ना, वो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो एटलीस्ट आप लोगों जो PDF में 400-500 क्वेश्चन है, उनको जरूर करके जाया करो, उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और एक और कमेंट YouTube में आया था कि कोई फ्रेंड थी हमारी, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक रात पहले सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस थी वो देखने शुरू की, और उनके कुछ 55 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। तो एक दिन पहले सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उनको देख के अगर आपके 55 इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पूरी बुक की आप लोगों के लिए वीडियोज अवेलेबल कराई है, बट एग्जाम में आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आंसर्स की जो PDF, उसको आप लोग जरूर कीजिए। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराती हूँ, उनको आप जरूर देखिए वीडियोस को। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं, 15 या 20 वीडियोस होती है, एक एक घंटे आधा आधे घंटे का रहता है, तो वो ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट भी नहीं है, आप एक दो दिन में भी उनको देख के कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनसे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांस रहता है। जैसे बोलते हैं ना, कम मटेरियल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स, तो वही आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं खुद से एक एक टॉपिक को पढ़ के खुद से बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मालूम है ना कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि पूरी बुक की मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल कराई है। तो मुझे पूरा बुक मालूम है, पूरी बुक का कंटेंट मालूम है कि कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछा जाता। तो एक टॉपिक को पढ़ के मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, मई 2023 में जो हमारा PPB का एग्जाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन आए थे, तो इनके बारे में हम लोग स्टार्ट। इन क्वेश्चंस को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक्स में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम था आपका मई 2023, तो उसमें एक तो आपका जो इथिक्स वाला जो चैप्टर है ना, इथिक्स, उसमें से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इथिक्स में से पूछे गए थे। और जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की जो PDF है, वहाँ पे आपको ये इथिक्स के जो क्वेश्चंस है काफ़ी मिल जाएंगे। आई थिंक 60 से 70 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपके एटलीस्ट 10 मार्क्स को कवर करते हैं। और आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसकी जो है वीडियो, वो भी आप लोग जरूर देख के जाना, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा क्या होता है? देखिए, इथिक्स क्या होता है? इथिक्स मतलब सही गलत हमें जानना। अब कुछ लोग मान लीजिए नॉनवेज खाते हैं, तो उनके लिए इथिकली ये सही है, उनको लगता है कि हाँ, जो पेड़ पौधे उनके अंदर भी जान होती है, तो अगर हम किसी को बकरे को या मुर्गी को मार के खा रहे हैं, तो वो इक्वलेंट है, वो ऐसा समझते हैं। ठीक है, इस तरह से जो लोग वेज होते हैं, उनको लगता है नहीं, किसी को ऐसे मार के खाना गलत है। तो जो कुछ लोगों की नज़र में कुछ चीज़ सही हो सकती है, और वही चीज़ सामने वाले की नज़र में गलत हो सकती है। तो इथिक्स मतलब क्या चीज़ आपको लगती है कि सही है, क्या गलत है? तो इथिकल डायलेमा कब आता है? डायलेमा मतलब कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कब क्रिएट होगा? देखिए, नॉर्मल सा कोई चीज़ सही है गलत है, उसको जानना तो बहुत आसान है, बट जब दो सही चीज़ों के बीच में आपको सेलेक्ट करना हो कि ज़्यादा सही कौन सा है, तो जो हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इथिकल डायलेमा। ठीक है, जब दो, एक चीज़ सही है एक गलत है, एक हो गया झूठ सच। तो झूठ सच में बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो झूठ है वो खराब है, और जो सच है वो एथिकल सही है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब आता है? जब दो चीजें सच है, आपके पास दो ट्रूथ है, और उसमें से आइडिया लगाना कि ज्यादा सच कौन सा सही है। ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं इथिकल डायलेमा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिया है, अगर थोड़ा सा डाउट रहेगा तो भी हम देखेंगे इसको। देखिए, एवरी वन विशेज टू फॉलो द राइट कंडक्ट ऑलवेज। तो हर कोई हमेशा सोचता है कि अच्छा सही कंडक्ट वो करे। व्हेन एक्शंस आर ओवरली राइट और रॉन्ग, इट इज ईजली टू मेक चॉइसेस। तो जब आपके एक्शन, जब चीज़ें गलत होती है या सही होती है, तो बहुत आसानी से आप जो है चॉइसेस कर सकते हो कि ये गलत है तो नहीं करना, ये सही है तो करना है। तो कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टू चूज बिटवीन लाई एंड ट्रूथ, अरोगेंस एंड मॉड। अगर कोई बोले कि आपको सच या झूठ में से एक को सेलेक्ट करना है, तो नॉर्मल सी बात है, सच को आप सेलेक्ट करोगे। एरोगेंस एंड मॉडेस्टी में से किसी को सेलेक्ट करना, मॉडेस्टी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ें ईजी है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ईजी है, जिनको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि क्या चीज़ सही है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है।
इथिकल डायलेमा फिर कब आता है? इथिकल डायलेमा अकर्स व्हेन देयर इज क्लैश बिटवीन टू राइट्स, जब दो चीजें सही और उनके बीच में क्लैशेस हो तो ये आपका सिचुएशन होगा, उसको हम बोलेंगे इथिकल डायलेमा। ठीक है, तो एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, ये वैसे पूछा गया था एक नंबर का, बट इस बार भी पूछ सकते हैं कि इथिकल डायलेमा कब आता है। तो जब दो सही चीजों के बीच में हमें सेलेक्ट करना हो तो उस टाइम पे जो है हमें इथिकल डायलेमा की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिसाइड विच राइट इज मोर राइट देन अदर राइट। तो दोनों ही चीजें सही है बट कौन सी चीज ज्यादा सही है वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, इफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिविजन ऑफ ए कंपनी हैज बिकम अनप्रॉफिटेबल। मान लीजिए कंपनी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से उनका एक टाइप का जो प्रोडक्ट है मान लीजिए वो ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं दे रहा। मान लीजिए कंपनी क्या करती है, शैम्पू भी बनाती है, ऑयल भी बनाती है, सोप साबुन भी बनाती है, और मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो सोप का बिजनेस है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक प्रोडक्ट उनका सही नहीं चल रहा। इफ यूनिट इज कंटिन्यू, अगर कंपनी इसी तरह से सोप का बिजनेस घाटे में फिर भी अगर सोप बनाती रही तो क्या होगा, लॉस विल माउंट अप, तो उसका काफी लॉस बढ़ने लगेगा। इट मे बिकम बर्डन ऑन अदर यूनिट्स, तो जो ऑयल का प्रॉफिट है या फिर शैम्पू का प्रॉफिट, तो उसमें इंपैक्ट करेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसके लॉस को रिकवरी के लिए जो पैसा वो यहीं से देना पड़ेगा, तो बाकी के यूनिट्स को इंपैक्ट पड़ेगा। इफ यूनिट इज क्लोज, लेकिन मान लीजिए ये सोप बनाने की फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, अब बनाना ही नहीं है, तब क्या होगा, द पीपल वर्किंग इन इट लॉस देयर जॉब, तो जो लोग काम कर रहे थे सोप फैक्ट्री में वो उनकी जॉब चली जाएगी, उनकी जो फैमिली है उनकी अर्निंग जो जॉब है वो चली जाएगी, वो कैसे खाएंगे पियेंगे, ये सब दिक्कत आ जाएगी। सो बोथ द रेवल एक्शंस कैन बी सीन एज राइट। तो इस टाइम पे जो ऑनर है उसके पास जो सिचुएशन है वो यही है इथिकल डायलेमा, कि अगर वो कंटिन्यू करे, अगर वो सोप फैक्ट्री को कंटिन्यू करे तो लॉस उसका बढ़ता जाएगा और उसका इंपैक्ट बाकी जगह पे होगा। तो कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा ना कि मैं अपनी लॉस मेकिंग यूनिट को इसलिए रन करूं कि क्या बोलते हैं वो बाकी जगहों पे बर्डन करे। ठीक है, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अगर वो फैक्ट्री को बंद कर देता है, ताला लगा देता है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब वहां से चली जाएगी। तो इस सिचुएशंस को, इस टाइम पे जो ऑनर सिचुएशंस फेस कर रहा होगा उसको बोलते हैं इथिकल डायलेमा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका डाउट जो है वो इसमें क्लियर हो गया होगा। अ मोर कॉम्प्लेक्स इथिकल डायलेमा इज फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिकल गोल्स, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस और सोशल परफॉर्मेंस। तो कंपनी को इथिकल डायलेमा का सामना तब भी करना पड़ता है जब उसका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक गोल मतलब उनको प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल परफॉर्मेंस मतलब समाज में भी उनको कुछ अपना समाज को भी इम्पैक्ट नहीं करना। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक बनाती है। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करेगी तो उस एरिया का पॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर वो कम प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है तो उसकी प्रॉफिट कम होगी। ठीक है, तो वो जो मालिक है वो इथिकल डायलेमा की सिचुएशन में होगा कि मैं क्या अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊं, अगर वो ज्यादा प्लास्टिक बनाएगा तो मान लीजिए उससे क्या हो रहा है, काफी पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ के एरिया में, काफी दिक्कत हो रही है, तो उसकी सोशल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। कब, जब वो अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने की सोचेगा तो उसकी सोशल परफॉर्मेंस मतलब जो समाज है उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है ना वो पॉल्यूशन करके, तो वो खराब होगी। तो उसको सोचना है कि क्या मैं प्रॉफिट कम करूँ, अगर वो प्रॉफिट कम करने के बारे में सोचेगा तो सोशल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी बट उसकी कंपनी जो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। तो ये सिचुएशंस ऑनर को फेस करनी पड़ेगी, ये भी उसका हो जाएगा इथिकल डायलेमा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग हो गया कि अगर वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो सोशल को इम्पैक्ट करेगा, और रियल अल्टरनेट दैट आर इक्वली जस्टिफेबल, तो दोनों की दोनों चीजें जस्टिफेबल है कि अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा तो कंपनी कैसे चलेगी, प्रॉफिट बढ़ाएगा तो सोशल जो है समाज को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑन स्टेक होल्डर इन सिचुएशन, तो जो स्टेक होल्डर है जिसने कंपनी के स्टेक्स लिए, शेयर्स लिए, तो उनको भी इम्पैक्ट होगा ना अगर कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसी को हम लोग बोलते हैं इथिकल डायलेमा। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से एक दो नंबर का आपका पूछ सकते हैं। जब दो सही सिचुएशन के बीच में हमें सेलेक्ट करना पड़े कि कौन सा सही है, ज्यादा सही है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इथिकल डायलेमा। और सॉरी, स्टार्टिंग में आपका 1 से 2 मिनट मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ डिस्कशन किया था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपके 2 मिनट के बाद ही हमारे शुरू, तो वो बेसिक आपको बताना जरूरी था मेरे लिए कि ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। तो मैंने आपका स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट जो है थोड़ा सा आपको बात करने में थोड़ा सा वेस्ट किया, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए, आप लोगों को सॉरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर का मतलब होता है अंदर का, घर का कोई, जैसे बोलते हैं ना घर का भेदी। ठीक है, तो घर का भेदी। ट्रेडिंग मतलब व्यापार को बोलते हैं ना, व्यापार कोई बिजनेस ट्रेड। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, उसे आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एक नंबर का, और ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ये काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, इस बार आपका मे में वाला क्वेश्चन आया था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या, देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, कोई कंपनी मान लीजिए एबीसी, उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आम जनता को पता होनी चाहिए। पता कैसे रहती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ये कंपनी क्या काम करती है, कौन कौन इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये क्या डिसीजन लेगी, तो सारा कुछ, इसके क्या प्रोजेक्ट है, वो सारा कुछ, जैसे बोलते ना जन्म कुंडली, पूरी कंपनी की जन्म कुंडली उसके डॉक्यूमेंट में होती है, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस जो भी शेयर होल्डर है, जो भी शेयर्स खरीदेगा, तो उसको इश्यू किया जाता है, वो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, और फिर डिसीजन ले सकता है कि मेरे को कंपनी के शेयर लेने की नहीं लेना। ठीक है, अब मान लीजिए
इस कंपनी, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंपनी है जो बैंक से लोन लेती है, मान लीजिए इसने एसबीआई से लोन लिया। अब ये कंपनी के प्रोस्पेक्टस में तो उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, क्योंकि जनता से पैसे उठाने ना आईपीओ किसी भी सोर्स से, तो जनता को तो हम अच्छा अच्छा बताएंगे हमारी कंपनी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, बट उसकी जो रियल हालत होती है, जो रियल कंडीशन है, वो किसको पता है? वो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है। अब ये बिल्कुल वैसे ही आपके पड़ोस में कुछ लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते, बहुत लाविश, बहुत खर्चीली लाइफ जीते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर में, ठीक है, घर भी बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है इन लोगों के पास कितने सारे पैसे है, बहुत रिच है। बट ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता उन लोगों ने क्या लिया हो, लोन लिया हो, घर भी उनकी लोन पे चल रही है, ठीक है, कार भी उनकी लोन पे चल रही है, और अपनी लाइफ को वो घूमने के लिए हमेशा टूर टूर पे इधर उधर जाते हैं, तो अपनी लाइफ को दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, समाज में हम काफी रिच है, तो वो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी क्या है कि उनका सारा कुछ लोन पे चल रहा है, और कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई दिखाओ में कि वो ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहे, तो शायद कुछ सालों में ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि उनकी घर भी बिक जाए लोन के चक्कर में और कार भी बिक जाए, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। तो उनकी रियलिटी घर की किसको मालूम है? घर के लोगों को मालूम है। तो इस तरह की स्थिति कंपनी के बारे में है कि कंपनी की हालत क्या है वो किसको मालूम है? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मालूम है, या फिर बैंक के जो इंप्लॉयर जिसने उसको लोन दिया उसको मालूम है कि कंपनी तो ईएमआई नहीं पे कर पा रही। अब मान लीजिए वो जो एसबीआई का कोई स्टाफ है, मान लीजिए उसका नाम है ए, और उसने इस कंपनी के शेयर्स लिए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने प्रोस्पेक्टस रीड किया था तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा था, लग रहा था ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, बट उस वो तो अपना ईएमआई भी नहीं पे कर पा रही, ठीक है, ऐसा इस एसबीआई के एम्प्लॉयर ए को पता लगा। तो वो क्या करेगा, उसने जो एबीसी के शेयर्स लिए उसको मालूम है बहुत घाटे में जाने वाली है, क्योंकि ये अपना ईएमआई नहीं पे कर पा रही, तो इसकी कंडीशंस बहुत खराब होने वाली है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ए ने एबीसी के शेयर्स से उसको बेच दिए, ठीक है, सेल कर दिए, और खुद ने नहीं, उसके दोस्त रिश्तेदार मान लीजिए उन्होंने भी एबीसी के शेयर्स लिए थे, तो उसने उनको भी बताया कि काम करो उसके शेयर बेच दो, मार्केट इसका बहुत डाउन जाने वाला है, ये अपना ईएमआई भी नहीं पे कर पा रही है एबीसी बैंक कंपनी, तो जो है इसके शेयर की वैल्यू बहुत डाउन होने वाली है। तो उसने अपने दोस्तों के, उसके फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के, सबके शेयर्स बिकवा दिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो ये जो चीज इसने की है ए ने, इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो मतलब वो जो कंपनी है, कंपनी की ऐसी नॉलेज जो कि आम जनता को नहीं मालूम थी, आपने उस नॉलेज को इस्तेमाल करके वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपका बेनिफिट हो, मतलब अपने डिसीजन के लिए आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज की जो कि आम जनता को नहीं मालूम थी, जो आम जनता थी, जो बाकी शेयर होल्डर, उनको ये बात नहीं पता थी ना कि इसका इतना ज्यादा लोन बढ़ गया है, इसका ईएमआई नहीं पे हो रहा, तो ये इन्फॉर्मेशन आम जनता को कैसे पता? नहीं पता। ये किसको पता है? बैंक के स्टाफ को जिसने उसको लोन दिया था और जिनको पता है कि ईएमआई नहीं भर पा रही, ठीक है, ये कंपनी ईएमआई नहीं भर। तो ए ने क्या किया, स्टाफ ने, वो जो स्टाफ जिसने शेयर लिया था उसने शेयर बेच दिया, अपने दोस्त और रिश्तेदार को बताया कि इस कंपनी ने तो बहुत लोन लिया इस बैंक से, हमारे बैंक से, और वो पे भी नहीं कर पाता, तुम इसके शेयर बेच दो, सभी उसके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने बेच दिया। तो ये जो एक्टिविटी हुई इसी एक्टिविटी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो सेबी ने प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है इनसाइडर ट्रेडिंग, अपने रिश्तेदारों को जो आपने बताया या ये सब जो हरकत की है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आम शेयर होल्डर है सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इसका मतलब आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने में तो आप भी शेयर होल्डर है, बाकी जनता भी शेयर होल्डर है, पर आपके पास बाकी जनता से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्या ज्यादा इन्फॉर्मेशन? कि एबीसी की जो कंपनी डाउन डूब जाएगी क्योंकि उसके काफी लोन एनपी होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्स्ट्रा, और ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की और इस इन्फॉर्मेशन से आपने अपना फायदा किया, तो वो नहीं होना चाहिए, उसी को बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेम यही चीज आपके इस पैराग्राफ पे लिखी गई है, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कंपनी को बोला गया, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में एबीसी। तो एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को खरीद बेच रहे हैं, किस हिसाब से, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है क्लाइंट के, विच इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक, तो पब्लिक मतलब आम जनता, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, आपको पता थी, या इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए जो एबीसी कंपनी है वो बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेने वाली है क्योंकि इसका काफी प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, अभी लिया नहीं है, प्रोस्पेक्टस में उसने बात जारी नहीं की, लेकिन इसने बैंक से लोन किया दिया, तो जो बैंक का स्टाफ है उसने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा लोन ले रही है, इस कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसने क्या किया, कुछ शेयर्स खरीद लिए, या बेचा कब, जब उसको लगा ये कंपनी डूबने वाली तो बेच दिया। उसने नए शेयर्स कब खरीदे, उसको लगा एबी ने तो नए नए लोन लिए और बैंक ने लोन सैंक्शन भी कर दिया, ये नए नए प्रोजेक्ट बनाने वाली है तो ये कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, तो ये सोच के एबीसी ने इसके कई सारे शेयर्स लिए, दोस्तों को भी बोला कि कुछ शेयर्स खरीदो, ये कंपनी ग्रो करने वाली, ठीक है, इस तरह की चीज को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम है, बोलते ना अंदर की खबर, इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ये वही है, आपने अपने अंदर की खबर इंटरनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई डिसीजन लिया जो कि आम जनता को नहीं मालूम था, तो उस चीज को बोला जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल वही दिया जो मैंने आपको यहाँ बताया था, से जस्ट बिकॉज अ स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ ए लार्ज कंपनी, मान लीजिए एसबीआई बैंकर उसने कंपनी को लोन दिया, इज गोइंग टू बिकम एनपीए, दैट इज नॉट अनाउंस ऑफिशियली। अब ये जो कंपनी है इसका लोन एनपीए हो गया और एसबीआई बैंक ने कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया, ऐसा होता है ना न्यूज़पेपर में बैंक डालता है कि एनपीए हो गया बैंक कंपनी, तो इस तरह की कोई भी न्यूज ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई इस कंपनी के द्वारा और बैंक के द्वारा। एन एम्प्लॉय नोइंग दिस, वो जो ए था एम्प्लॉय उसको मालूम है, सेल द स्टॉक ऑफ कंपनी, इस कंपनी के शेयर उसने बेच दिए और एडवाइस फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त है उनको भी बोला कंपनी का शेयर बेच दो एंड गेट आउट ऑफ स्टॉक, की स्टॉक बेच के बाहर आ जाओ।
अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग, तो जो एक्टिविटी हुई है इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और ऑल्सो डीलिंग इन द स्टॉक ऑफ ए बैंक वेयर वन एम्प्लॉय इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक अमाउंट। तो वही बोल रहे हैं कि आप किसी बैंक बैंक के स्टाफ है और आपके पास इन्फॉर्मेशन आम जनता से ज्यादा है और उसके आधार पर आपने कोई शेयर लिए या बेचे, तो वही हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। सेबी ने है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब ट्रेडिंग को कौन देखता है, सेबी है ना उसका रेगुलेटर, तो सेबी ने इसको लेकर जो है गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है, ट्रेडिंग को लेकर रूल्स बताए हैं। और इसमें बताया कि अगर आप ये जो रूल्स हैं या जो डिक्लेरेशन है उसका वायलेशन करते हैं तो क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर सेबी ने प्रॉपर रूल्स जारी किए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे जो एम्प्लॉय है उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हाँ हम जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक नहीं करेंगे कंपनी के लिए, प्लस हम इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर खुद से अपना कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ को लेकर डिक्लेरेशन इसको देना होता है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको वायलेशन कॉन्सिक्वेंसेज जो है फेस करने होते हैं, वही हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। सिंपल सा है कि अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आम जनता को नहीं मालूम हमें मालूम है उसके आधार पर अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं वो होता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, एक नंबर का, ये भी आपका पूछा गया था क्वेश्चन था, विच इज नॉट ओबीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप बैंक जाते हैं किसी काम से अकाउंट ओपन हो सकते, तो बैंक आपसे कुछ आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, ठीक है, तो पैन कार्ड तो फिक्स रहता है, तो क्या पैन कार्ड ओबीडी है? एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि विच इज नॉट ओबीडी, तो उसमें पैन कार्ड का ऑप्शन है, तो क्योंकि पैन कार्ड इनकम टैक्स पर्पज के लिए होता है इसलिए हम लोग मांगते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर ये टैक्स की चोरी ना कर सके, तो पैन कार्ड हम इसलिए मांगते हैं। पर बहुत सारे कस्टमर्स को लगता है कि पैन कार्ड एक ओबीडी होता है, बैंकों में भी आपने देखा होगा ना कस्टमर्स के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होता ओबीडी बोलता पैन कार्ड तो है इसको एक्सेप्ट करो, बट वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ओबीडी नहीं होता। तो वही क्वेश्चन था आपका एक नंबर का कि विच इज नॉट ओबीडी, तो आंसर था पैन कार्ड इज नॉट ओबीडी, ठीक है। तो यही एक नंबर का पूछा गया था, ओबीडी कौन कौन से होते हैं वो आपको याद करके जाना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी ओबीडी है। अगर आधार कार्ड का प्रूफ है कि आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया या प्रूफ कि आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आपका ओबीडी होता है। वोटर आईडी जो कि आपका इलेक्शन कमीशन इशू करती है वो भी आपका ओबीडी होता है। नरेगा के द्वारा कोई जॉब कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो वो जॉब कार्ड भी आपका ओबीडी होता है। लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने आपको एक लेटर इशू किया जिसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा है तो वो भी ओबीडी होता है, ठीक है। तो 6 ओबीडी होते हैं हमारे। और पैन कार्ड, क्या पैन कार्ड ओबीडी होता है? तो आंसर है नो, पैन कार्ड ओबीडी नहीं होता, नो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि क्या विच इज नॉट ओबीडी, तो उसमें सारा नाम था, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो पैन कार्ड आपका आंसर है, पैन कार्ड ओबीडी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 6 ओबीडी इसको आप याद कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लेते हैं, ये इस बार भी आपका पूछा गया था। अगला इस टॉपिक के ऊपर आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एक इस टॉपिक पे था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 की बात है ये, और रबी सीजन जब था आपका, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, NAIS, एक स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को लॉन्च करने के साथ क्या हुआ था, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था जिसने रिप्लेसिंग अर्लियर स्कीम, तो पुरानी जो भी स्कीम थी क्रॉप इंश्योरेंस को लेके, ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को लेके, तो उन सबको इसने रिप्लेस करके एक नई स्कीम बनाई थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम विच वर बींग डन बाय जनरल इंश्योरेंस। तो ये स्कीम किसके द्वारा लाई गई थी, जो पुरानी आपकी स्कीम थी जो कि तो पहले जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था उसके द्वारा जो भी क्रॉप स्कीम्स लाई गई थी उनको हटाया गया, उनको टेक ओवर किया गया किसके द्वारा, AIC यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। तो AIC ने जो है जनरल इंश्योरेंस की जो भी स्कीम थी उन सबका टेक ओवर कर लिया। 2016 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो स्कीम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को लेकर, ये एग्जैक्टली क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है आपका, जैसे खेती में नुकसान हो गया, आपकी फसल खराब होगी तो उसका इंश्योरेंस होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना ह्यूमन का, वैसे एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस का नाम है प्रधानमंत्री फसल। फसल किसको बोलते हैं, खेती को बोलते हैं ना, तो उसी की आपकी ये बीमा है, बीमा मतलब इंश्योरेंस, आपकी जो फसल है उसकी इंश्योरेंस की जाती है, वही आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो 2016 में इसको लाया गया था, तो जितनी भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम थी उन सबको इसने रिप्लेस कर दिया, तो इंश्योरेंस के लिए एक ही स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें जो है आपके जैसे कोई रिस्क हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आपने कटाई कर ली उसके बाद भी आप मान लीजिए वेयर हाउस में उसको स्टोर किया था और वहाँ पे आपकी फसल को कीड़े लग गया, खराब हो गया या सीलन की वजह से खराब हो गया, तो उसमें भी इसको इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। अब क्या क्या मतलब कौन कौन से फार्मर्स इसमें कवर होंगे, मतलब कौन कौन से फार्मर्स ये स्कीम का फायदा ले सकते हैं, ऑल फार्मर्स, सारे फार्मर्स, कुछ शेयर क्रॉपर्स भी होते हैं जो शेयरिंग बेसिस पे क्रॉपिंग करते हैं, टेनेंट फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स कौन से होते हैं, जिन्होंने जमीन किराए पे ली होती है और खेती कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जमीन उनकी नहीं, किसी से किराए पे ली एक साल के लिए और उस पर खेती कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेनेंट फार्मर्स, ठीक है। तो सभी के सभी फार्मर्स एलिजिबल है, चाहे आप शेयर क्रॉप फार्मर्स बोल लीजिए या टेनेंट फार्मर्स बोल लीजिए।
शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, मान लीजिए जिसकी जमीन है उनके साथ शेयरिंग बेसिस पे, कि जो फसल उगेगी उसमें आधा हमारा हिस्सा होगा आधा आपका हिस्सा, ठीक है। इस तरह से भी फार्मिंग की जाती है। तो वो सारे ही फार्मर्स, चाहे वो मालिक हो चाहे वो किराएदार हो, हर तरह के फार्मर्स इसके लिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगला आता है आपका रिस्क कवर्ड एंड एक्सक्लूजन। तो कौन कौन से रिस्क को कवर करता है, तो दो टाइप के रिस्क है, एक तो होता है बेसिक रिस्क और एक होता है एड ऑन कवरेज। तो बेसिक रिस्क, बेसिक कवर तो सबके लिए होगा, एड ऑन कवरेज सबके लिए नहीं होगा, ही किसी किसी के लिए होगा, ठीक है। तो बेसिक कवर और एड ऑन में क्या क्या चीजें आएगी, बेसिक कवर में क्या क्या लॉस आएगा, द कवर लॉस ऑफ यील्ड टू स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, ऑन एन एरिया बेस्ड ऑन नॉन, जैसे मान लीजिए आपके ऐसे रिस्क जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, उस तरह के रिस्क आपके बेसिक वाले में कवर होंगे, जैसे सूखा पड़ जाए, ठीक है, और फ्लड बाढ़ आ जाए, या फिर पेस्ट या डिजीज लग जाए, कोई डिजीज हो जाए, पेस्ट का अटैक हो जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, नेचुरल फायर, कई बार लाइटनिंग आ जाती है ना बिजली कड़कने की वजह से, नेचुरल आपकी खेती में आग लग गई, वो भी कवर होता है, स्टॉर्म आंधी तूफान आ गए, हेल स्टॉर्म साइक्लोन, तो वो सारे आपके बेसिक रिस्क में कवर होते हैं। तो ठीक है, तो बेसिक रिस्क किसको मिला जाएगा, ये सभी फार्मर्स को होगा। तो जिन्होंने लिया बेसिक रिस्क तो सबको ही मिलेगा, एड ऑन में कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे आप लोग जोमेटो से कुछ पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना, तो बेसिक पिज्ज़ा में तो आपको चीज़ें मिलेंगी, फिर उसमें अगर आप अलग से चिली ऐड कराना चाहे, अलग से चीज़ ऐड कराना चाहे, तो आपका एड ऑन अलग से होता है, उसका चार्ज भी अलग लगता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो बेसिक कवर में क्या क्या मिलेगा आपको, अगर सूखे की वजह से आपकी फसल खराब हो गई, ठीक है, बाढ़ की वजह से, अगर पेस्ट ने आपकी फसल पे हमला कर दिया, या लाइटनिंग की वजह से आपके फसल में आग लगी, लैंडस्लाइड हो गया, तूफान आ गए, साइक्लोन आ गया, तो उसकी वजह से अगर आपकी फसल खराब होगी तो वो आपका बेसिक कवर में इंक्लूड होगा। एड ऑन कवरेज में क्या होगा, एड ऑन कवरेज में क्या होगा कि अलग से आपको एक्स्ट्रा सुविधा दी जाएगी, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा चीज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बारिश अच्छे से नहीं हुई, बारिश कम हुआ जिसकी वजह से सीजन का इम्पैक्ट पड़ा और आपकी फसल अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है, तो डिफिसिट रेनफॉल, कि बारिश कम हुई जिसकी वजह से आपकी फसल अच्छे से नहीं हो पाई, तो वो वाला आपका एड ऑन कवरेज में इंक्लूड होगा। और लॉस इन केस ऑफ एडवर्स सीजनल कंडीशन, मतलब सीजन कंडीशन एडवर्स थी, मतलब आपके हिसाब से नहीं थी, खराब सीजनल कंडीशन थी, बारिश तो हुई पर सीजन ज्यादा अच्छे से नहीं रहा जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो वो भी इसमें कवर रहता है। सूखा पड़ गया, ठीक है, या फिर आपका साइक्लोन आ गया, अनसीजनल रेन होगी, कई बार अचानक से होता है ना, कटाई के टाइम पे बारिश हो जाएगी, अनसीजनल रेन, तो वो भी इसमें कवर रहता है। और लैंडस्लाइड, हेल स्टॉर्म, ठीक है, और क्लाउड बस्ट, जैसे आपका उत्तराखंड में हादसा होता है ना क्लाउड बस्ट, या नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, तो वो चीजें भी इसमें कवर रहती है। वाइल्ड एनिमल, आपकी कई बार होता है ना जंगलों में जंगली जानवर आपकी फसल को हमला करते हैं, तो वो वाला आपके इस एड ऑन कवरेज में इंक्लूड रहता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आपकी फसल को, अगर कोई नुकसान होगा तो वो आपके एड ऑन कवरेज में रहती है। एक्सक्लूजन, इसको लेके एक नंबर का सीधा क्वेश्चन था कि क्या चीजें एक्सक्लूड होती है। तो लॉस, अगर आपको मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर हो गया, या न्यूक्लियर रिस्क हो गया, न्यूक्लियर वेपन का कोई रिस्क हो गया, उसकी वजह से जो अगर लॉस होगा तो वो इसमें एक्सक्लूड है, मतलब वो इसे उसके तहत ही इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए वॉर हुई जिसकी वजह से आपकी फसल को नुकसान हुआ, तो उसमें आपको इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे। तो एक्सक्लूजन के ऊपर एक नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। इस टॉपिक में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, और सिर्फ ये जो टॉपिक है इसमें से एक्सक्लूजन को लेकर सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा रिस्क जो है एक्सक्लूड होता है स्कीम में। तो उसमें ऑप्शंस था जैसे वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, ठीक है, और भी दो तीन चीजें हो सकती है। तो आंसर था हमारा वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क जो है इसमें एक्सक्लूजन रहता है। और एक और बात, इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आधार बिल्कुल मैंडेटरी, आपका अकाउंट आधार लिंक होना चाहिए, तो आधार कार्ड के थ्रू आप इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। तो जो भी पर्सन, जो भी एनरोलमेंट करना चाहती है, तो उनको जो फार्मर्स है उनका आधार कार्ड लेना जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जैसे आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, एपीओ, तो उन सबके लिए आधार कार्ड चाहिए ना, सेम ऐसे इस सबके लिए भी आपको आधार कार्ड लेना बिल्कुल मैंडेटरी होता। नेक्स्ट हमारा सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड किस तरह से, मतलब कितना पैसा दिया जाएगा, मान लीजिए फसल को रेन की वजह से नुकसान हुआ, या लाइटनिंग की वजह से किसी भी चीज से नुकसान हुआ, तो सब इंश्योर्ड, मतलब कितना पैसा आप किसानों को दोगे, वो कैसे कैलकुलेट होता है। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी चूज इधर द स्केल ऑफ फाइनेंस और नेशनल एवरेज वैल्यू। इसमें क्या होता है कि नेशनल एवरेज यील्ड, नेशनल एवरेज मतलब आइडिया से कि कितना यील्ड हो सकता था, कितना टन यील्ड हो सकता था, उसका एवरेज निकाला जाता है इनटू एमएसपी, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस कितना है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय फार्म गेट, ठीक है। तो इसको अगर आप एवरेज नॉशनल को एमएसपी से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करोगे और फार्म गेट से उसको डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा नॉशनल एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसके हिसाब से या स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और अगर पहले साल आपने मान लीजिए कोई सम एश्योर्ड बनाया, ठीक है, क्रॉप वाइज कोई पहले साल कोई सम एश्योर्ड, या पहले सीजन में कोई सम आपने बताया कि इतना मिल सकता है, तो अगले सीजन में उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आपका स्केल ऑफ फाइनेंस आपका रहता है,
ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस कितना होगा, या फार्म गेट प्राइस या एमएसपी प्राइस होता है, तो उस हिसाब से जो है आपका ये चेंज होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि पहले साल इतने का इंश्योरेंस मिला तो अगले साल भी सेम उतने अमाउंट का मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस, एमएसपी सब चेंज होता रहता है हर साल, फार्म गेट ये सब चेंज होता है, तो इसके हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो ईयर टू ईयर बेसिस या सीजन टू सीजन बेसिस जो है चेंज हो सकता है। लास्ट है प्रीमियम, कितना प्रीमियम कैसे रहता है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है एपीआर यानी कि एक्चुअल प्रीमियम रेट जो है लगाया जाता है कंपनी के द्वारा फार्मर्स के ऊपर। और एक और बात कि जो फार्मर्स जो प्रीमियम पे करते हैं ना उस पर भी इनको सब्सिडी दी जाती है। तो गवर्नमेंट जो है जो प्रीमियम पे करता है तो उस पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि जो है सस्ते में उनको ये स्कीम अवेलेबल कराई जा सके। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक टॉपिक है, एक स्कीम है एक्चुअली ये, और इसी सिंपल सी स्कीम के ऊपर आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन था, तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा सा देखते देखिए, इस स्कीम में हमने क्या कहा था कि गवर्नमेंट की स्कीम है और 2016 में इसको लाया गया था। तो इसके लाने से क्या हुआ कि जो भी पहले की एग्रीकल्चर स्कीम हुआ करती थी सबको रिप्लेस कर दिया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम मतलब खेती बाड़ी को कोई प्रॉब्लम हुआ, फसल नहीं हो पाई बारिश की वजह से, बारिश कम होने की वजह से, या ज्यादा बारिश से, या अनसीजनल बारिश से, किसी भी रीजन से आपकी फसल खराब हो गई, तो वो जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, वही होता है हमारा फसल बीमा इंश्योरेंस स्कीम। तो उससे पहले अलग अलग टाइप की कंपनी अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम दे रही थी। 2016 में जब इसको लाया गया था जितनी भी पुरानी स्कीम है सबको हटा दिया गया और इसको एक अकेले स्कीम बनाया गया। कौन से फार्मर्स कवर है, चाहे आपकी खुद की जमीन है या आपने शेयर बेसिस पे ली है या आप किराएदार है, मतलब ऐसा होता है ना जैसे आप कमरा किराए पे लेते हैं ऐसे लोग जमीन भी किराए पे लेते हैं। रशिया जैसी कंट्री में पता है क्या होता है, वहां पे तो जमीन होती ही नहीं किसी की, बड़ी बड़ी जमीनें होती है और वो सब गवर्नमेंट की होती है और वो जो लोग हैं उसको किराए पे लेके उस पर यूज करके अपना फसल कमाते हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है। और तो सारे फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं और ये स्कीम ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि सभी फार्मर्स को लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, फार्मर्स की मर्जी होती है। और जो फार्मर्स है उसका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि उसने खाली फसल छोड़ी और उसने बोला मैं इसका इंश्योरेंस करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, फसल में कुछ उगना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हो। और ये स्कीम ऑप्शनल है, ऐसा नहीं जितने भी फार्मर्स है सबको स्कीम लेनी मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी है। रिस्क कवर क्या क्या रहता है, तो उसमें दो टाइप के रिस्क है, बेसिक रिस्क एंड एड ऑन कवरेज। तो बेसिक में क्या क्या मिलेगा और एड ऑन में क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेगी। तो बेसिक में मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, ठीक है, या पेस्ट या आपके जो है पेस्ट ने अटैक किया आपकी फसल पे, तो वो आपका बेसिक में कवर होगा। ठीक है, स्टॉर्म हो गया लाइटनिंग की वजह से, या साइक्लोन हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सारा आपका बेसिक कवर में आता है। इन चीजों को आप लोग एज इट इज नाम याद करके चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बेसिक कवर में क्या इसमें से नहीं होगा, तो आपको ये एज इट इज नाम याद करके जाना चाहिए कि फ्लड्स, ये जो ड्रॉट, ये सारी चीज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, एड ऑन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कम बारिश हुई या अनसीजन बिना सीजन के बारिश होगी, या सीजन के खराब होने से आपकी फसल पे कोई इंपैक्ट पड़ा, या हार्वेस्टिंग के टाइम पे मतलब हार्वेस्टिंग में 2 वीक बचे थे, मतलब 2 हफ्ता बचा था कटाई के, और उस टाइम पे आपको कोई जो है साइक्लोन आ गया, तो सिर्फ 2 हफ्ता बचा था कटाई के, ठीक है, और उस टाइम पे कोई साइक्लोन आ गया तो वो भी इसमें कवर रहता है। अनसीजन रेन भी कवर रहता है, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, ये सब कवर रहता है, और वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी फसल को अटैक कर दे, जंगली जानवर, जंगली सुअर, ये सब होते हैं ना, अगर वो आपकी फसल को अटैक कर दे तो वो सारा आपका एड ऑन कवरेज में। तो ये सारे नाम आपको एस इट इज मेमोराइज करके जाने होंगे, एक्सक्लूजन भी आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो वॉर हो गया, न्यूक्लियर रिस्क हो गया, ठीक है, या कोई और डैमेज जो कि प्रिवेंटेबल हो, प्रिवेंटेबल में जिसको मतलब हम रोका, जिसको रोका जा सके, वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, ये सब क्या है, ये हमारे हाथ में, ये ह्यूमन बींग के हाथ में, इसको रोक सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो कि प्रिवेंटेबल हो वो चीजें रिस्क इसमें कवर नहीं होता, ठीक है, तो एक्सक्लूड भी आपको याद करके जाना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है, फार्मर्स का आधार कार्ड होना चाहिए तभी वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। फिर सम अश्योर, सम अश्योर जो है स्टेट और यूनियन टेरेटरी अलग अलग मेथड को इस्तेमाल करती है, कुछ स्केल ऑफ फाइनेंस का मेथड यूज करती है, कुछ नेशनल एवरेज वैल्यू मेथड यूज करती है। नेशनल एवरेज वैल्यू में क्या होता है कि कितनी फसल आपकी हो सकती है उसका एमएसपी, मतलब कितने में वो बिक सकती है, मार्जिन जो मैक्सिमम प्राइस आप कितने में उसको सेल करते हैं डिवाइडेड बाय फार्म गेट, तो ये एक मेथड होता है। और क्रॉप वाइज ऐसा नहीं है कि पहले साल आपने कोई रेट दिया, पहले साल में आपने कोई रेट आपको सम अश्योर मिला, जैसे मान लीजिए पहले साल आपकी कैलकुलेशन से पता लगा 1 लाख का सम इंश्योरेंस मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल या अगले सीजन में भी सेम रेट रहे। एमएसपी का रेट चेंज हो गया, या स्केल ऑफ फाइनेंस का गवर्नमेंट ने रेट चेंज किया, या फार्म गेट का रेट चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से भी ये चेंज आ सकता है। वैसे यहाँ पे एक टर्म लिखी है फार्म गेट प्राइस। फार्म गेट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो उसकी कीमत, जो लागत आई है ना, एक्चुअल लागत कितनी आई है उस क्रॉप को बनाने के लिए, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन या बात की कोई कॉस्ट उसको इंक्लूड नहीं करना। आपने मान लीजिए कोई गेहूं उगाया, तो गेहूं उगाने में आपकी एग्जैक्ट लागत कितनी आई, आपने उससे बीज खरीदे, फिर आपने कुछ पेस्टिसाइड खरीदे, फिर आपने मान लीजिए पानी कहीं से लिया, तो उन सब में आपकी कितनी एक्चुअल लागत आई है। फार्म गेट मतलब इसको इस तरह से याद रखें कि फार्मर्स का गेट, कि उसके घर तक उसको बनाने में कितनी लागत आई। अब मान लीजिए वो फसल को कहीं पहुंचा रहा है मंडी में, जिसकी उसने ट्रांस
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कोई और सब्सिक्वेंट कॉस्ट उसने लगाई है, मान लीजिए उसने फसल की कटाई करके एक वेयर हाउस में रखा है उसको, ठीक है, और वेयर हाउस का कुछ रेंट पे कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फार्म गेट मतलब उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, इसमें किसी भी टाइप का एडिशनल खर्चा जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। जैसे आपकी फसल, आपने गेहूं उगाया, गेहूं कट के आपका आया, उस आपको उस टाइम पे कितनी लागत पड़ी, कितने आपको गेहूं पड़ा, ठीक है। मान लीजिए आपकी जमीन खुद की नहीं थी, आपने किराए पे ली, तो वो जमीन का किराया, आपने कितने के बीज खरीदे, फिर अगर मान लीजिए आपने लोगों को किराए पे लगाया होता ना, कि फार्मर्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स छोटे किसानों को अपने वहाँ पे खेत में लगाते हैं, तो उसके लिए आपने कितना पे किया, तो एक्चुअल लागत आपको कितनी आई है, प्रोडक्शन लागत, उसी को बोला जाता है फार्म गेट प्राइस, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम, प्रीमियम क्या होगा कि जो एक्चुअल आपका प्रीमियम रेट है वो आपसे APR जो रेट है वो कंपनी आपसे लेती है, और इसमें भी गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी देने का काम करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको प्रीमियम में भी, प्रीमियम क्या होता है, जैसे आप लोग कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम हम लोग पे करते हैं ना, LIC की पॉलिसी, तो उसका प्रीमियम सेम ऐसे यहाँ पर भी प्रीमियम होता है, और गवर्नमेंट जो है जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं योजना के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उस प्रीमियम अमाउंट पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी आपको देती है, मतलब जिससे आपको थोड़ा प्रीमियम अमाउंट सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये स्कीम यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी के ऊपर था, व्हाट इज व्हाइट लेबल ATM। व्हाइट लेबल ATM क्या होता है, देखिए जनरली आप किसी ATM के बाहर जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है ना, अगर ATM है मान लीजिए ये, और यहाँ अंदर ATM मशीन, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है मान लीजिए SBI का ATM है, तो बड़ा बड़ा SBI लिखा होगा, तो आप देख के समझ जाते हैं कि SBI का ATM है, या मान लीजिए कोई दूसरा बैंक है, मान लीजिए PNB है, तो उसके ATM के बाहर लिखा होता है कि ये PNB है, तो बाहर से देख के आप पता कर लेते हैं कि हाँ ये इस बैंक का ATM है। लेकिन व्हाइट लेबल ATM में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो वो ATM पर, वो आपको यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं होगा और अंदर ATM मशीन होगी। तो व्हाइट लेबल ATM क्या होते हैं, लेबल इसको लेबल बोलते हैं, लेबल, ठीक है, लेबलिंग की जाती है ना कि इसमें व्हाइट लेबल ATM। तो व्हाइट लेबल ATM क्या होते हैं कि ये जो ATM होते हैं, इसमें ये जो कंपनी है, जो ये जो मान लीजिए दुकान, जो ATM क्या है एग्जैक्टली, एक दुकान ही तो होता है ना, शटर वटर लगा होता है, तो मान लीजिए उसका किराया जो है एक नॉन बैंक कंपनी, मतलब ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जो बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, वो बैंक नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने दुकान ले रखी है, वो जो ATM मशीन होती है वो मशीन भी उस कंपनी की खुद की है, उसमें जो कैश लोड अनलोड करना वो भी उस मशीन, वो कंपनी का ही पैसा है, तो सारा कुछ 100% काम किसका होता है, नॉन बैंक का होता है, मतलब ये ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर रही, तो इस टाइप की कंपनी, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लेबल ATM, ठीक है। इस तरह की जो ATM है उसको बोलेंगे व्हाइट लेबल ATM। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि उस ATM आपको किसी भी बैंक का नाम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पर ये ऐसा कंपनी क्यों करती है, ये भी एक टाइप का बिजनेस है। अब मान लीजिए जिस के कस्टमर आए, मान लीजिए इस ATM में SBI का कोई कस्टमर आया, तो वो क्या करेगी, जो भी इसका ट्रांजेक्शन फी है, मान लीजिए हर ट्रांजेक्शन पे ये 20 रुपये या 10 रुपये ले रही है, तो वो SBI के कस्टमर्स की पेमेंट करेगी, और SBI बैंक के साथ जो पेमेंट नेटवर्क होता है ना, हमारा ATM नेटवर्क, उसके साथ ही कंपनी जुड़ी होगी, और जितना इसने मान लीजिए कस्टमर ने 10,000 रुपये विड्रॉ किया, तो 10,000 रुपये इसको कहाँ से मिलेंगे, जो आपका RBI है वो क्या करता है, सभी बैंकों के पेमेंट को सेटलमेंट करा रहा है, ठीक है, NFS सोचा ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसके थ्रू सभी बैंक आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। जब NFS नहीं था तो उस टाइम पे आप SBI का ATM है तो सिर्फ SBI जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। NFS ने जो जितने भी ATM है सबको जोड़ने का काम किया, तो NFS को पता लग जाएगा कि हाँ इस नॉन, ये जो व्हाइट लेवल ATM है वहां से 10,000 रुपये गए, तो SBI के उस कस्टमर के अकाउंट से 10,000 लेके इसको देगा, प्लस इसका जो सर्विस चार्ज है मान लीजिए 10 रुपये इसका लगा, तो वो जो SBI है उसको 10 रुपये पे करेगा, ठीक है, तो उसका फायदा हो गया कि इसने 10 रुपये कमा लिए, तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो वही होता है आपका व्हाइट लेवल ATM। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का जो एक्ट था RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फर्स्ट गाइडेंस इन जून 2012 टू इंट्रोड्यूस। तो देखिए इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है ना, तो उसके तहत व्हाइट लेवल ATM को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया। तो RBI ने 2012 में गाइडलाइंस जारी की, फर्स्ट टाइम ये जो व्हाइट लेवल की गाइडलाइंस थी RBI के द्वारा 2012 में लागू की गई थी, किसको लेकर, व्हाइट लेवल ATM को, टू एक्सपेंड बैंकिंग। तो RBI ने ऐसा क्यों अलाउ किया, इसलिए किया क्योंकि जैसे ATM लाना, उस पर पैसा लगाना खर्चीला होता है, अब इंडिया में, दुनिया के मतलब इंडिया के कोने कोने में इतने गाँव है, तो RBI क्या चाहता था कि हर किसी को ATM की सुविधा मिले, तो उसी पर्पज के लिए RBI ने सोचा कि हर जगह पे ATM हो तो बैंक भी अपना कितना करेंगे, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो कि बैंकिंग एक्टिविटी में डील नहीं कर रही है, अगर वो भी ATM लगा दे तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक अच्छा विकल्प के तौर पर उन्होंने व्हाइट लेवल की परमिशन देनी शुरू की, ठीक है। व्हाइट लेवल ATMs डोंट डिस्प्ले एनी बैंक ब्रांडिंग असाइन, किसी भी बैंक का नाम साइन आपको नहीं मिलेगा, हिंस दे आर कॉल्ड व्हाइट, तो इसीलिए इसका नाम है व्हाइट लेवल, व्हाइट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी नहीं लिखा, इसका कोई लेवल ही नहीं होता। दे सर्व ऑल बैंक कस्टमर्स, तो कितने भी, किसी भी बैंक का कस्टमर है, चाहे वो SBI या HDFC, तो हर बैंक का कस्टमर को वो सर्व करता है, मतलब वो ट्रांजेक्शंस कर सकता है, एंड विल बी इंटरकनेक्टेड विद इंटायर ATM नेटवर्क। तो जो ATM नेटवर्क है वो कौन है आपका, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो इसके साथ ही कनेक्ट होता है। कस्टमर्स फ्रॉम एनी बैंक कैन ट्रांजेक्ट ऑन सच व्हाइट लेवल ATM विच इज कंपेरेबल टू नॉन होम ब्रांच ATM। तो कोई भी कस्टमर जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, और
उसके थ्रू क्या होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया ना कि एसबीआई का कस्टमर 10,000 रुपये मान लीजिए इस एटीएम से निकाल रहा है, तो एनएफएस स्विच से लिंक होगा, तो जो आरबीआई का एनएफएस स्विच है वो एसबीआई को बोलेगा कि आपके कस्टमर ने 10,000 रुपये निकाले इस एटीएम से, तो एसबीआई जो उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देगा और 10,000 रुपये यहाँ भेज देगा एनएफएस को। एनएफएस फिर ये जो कंपनी है ना जिसने भी व्हाइट लेवल, तो उनको ये पैसा भेज देगी प्लस इनका सर्विस चार्ज, मान लीजिए 10 रुपये लगा तो एसबीआई क्या करेगा, 10 रुपये निकाल के मतलब अपने अकाउंट से ये 10 रुपये यहाँ भेज देगा, तो इसको 10 रुपये मिल जाएंगे। तो पूरा जो सेटलमेंट कराने का काम करता है वो आरबीआई का जो है ना एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वो करता है। उसी की हेल्प से जितने भी एटीएम नेटवर्क है इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, पेमेंट करानी है इस बैंक से, वहाँ पेमेंट जानी है, तो एनएफएस स्विच ही वो सारा पेमेंट करता है, ये आरबीआई का रहता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो व्हाइट लेवल एटीएम मतलब जिसमें किसी भी बैंक का नाम लोगों आपको नहीं मिलेगा, और इसको मेंटेन करना कैश एटीएम मशीन 100% काम इसका नॉन बैंक जो है वो करती है। नॉन बैंक मतलब ऐसी एंटिटी जो कि बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉन बैंक कंपनी जो है सारा हिसाब किताब देखती है, पैसा लोड करना, एटीएम मशीन को लाना, एटीएम मशीन खराब हो गया तो वो सर्विस करने के लिए भी इन्हीं के लोग होते हैं, कोई बैंक ऑफिशियल नहीं होता, ये जो दुकान है जो शटर की दुकान है इसका किराया देना, वो सारा काम ए टू जेड नॉन बैंक एंटिटी करती है, उसी को बोलते हैं हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम। एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। ब्राउन लेवल, ग्रीन लेवल एटीएम ऐसे पूछा नहीं गया बट पूछ सकते हैं कभी, तो ये भी मैंने आपका क्वेश्चन लगा दिया। तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं, तो ये भी आपका कॉस्ट शेयरिंग होता है। तो एक तरह से ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं, ये नॉर्मल एटीएम से मतलब ये जो व्हाइट लेवल है ये 50% व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन ब्राउन लेवल एटीएम हार्डवेयर इज ओन बाय सर्विस प्रोवाइडर, तो जो आपकी हार्डवेयर है दुकान है मान लीजिए या जो मशीन है ये एक सर्विस प्रोवाइडर देगा, बट कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, तो जो कैश होगा इस मशीन के अंदर और जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो सारा काम स्पॉन्सर बैंक से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ मिलकर 50-50% पार्टनरशिप में ब्राउन लेवल एटीएम को सेट करते हैं, बट एटीएम मशीन कंटेन लोगो ऑफ स्पॉन्सर, क्योंकि इसमें बैंक का कैश है सारा कुछ, तो इसमें इस बैंक का ही नाम लिखा होता है। ठीक है, बैंक जैसे मान लीजिए एसबीआई ने किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर कोई एटीएम शुरू किया तो उसको हम लोग ब्राउन लेवल बोलेंगे। इसमें एटीएम मशीन जो उसका हार्डवेयर है और वो जो दुकान है वो पूरा बाहर की कंपनी के हाथ में रहता है, और जो कैश है और जो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो एसबीआई के पास रहेगी। ठीक है, और इस पर जो लोगो लगा होगा वो भी एसबीआई का होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, ब्राउन लेवल एटीएम इज अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, तो बैंकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको मशीन खरीदनी पड़ती तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते ना, अब आपका काम 50-50% बेसिस पे हो गया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करती है, तो वही आपका ब्राउन लेवल। तो ब्राउन लेवल क्या है, एक तरह से 50% व्हाइट लेवल है। व्हाइट लेवल में क्या है, 100% काम नॉन बैंक एंटिटी करेगी, एक सर्विस प्रोवाइडर करेगा, सारा काम वही करता है, कैश लाना, लोड करना, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ वही करेगा। लेकिन ब्राउन लेवल में क्या होगा, 50-50% मतलब जो मशीन है मशीन का हार्डवेयर का काम एक सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा जो कि एक बाहर की कंपनी होगी, कैश मैनेज करना, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी वो स्पॉन्सर बैंक के साथ किया जाएगा, और जो लोगो है वो भी आपके स्पॉन्सर बैंक का ही लगा होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्राउन लेवल एटीएम। एक एटीएम का टाइप होता है आपका ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम क्या होता है, एटीएम इज प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर, तो अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जैसे मान लीजिए केसीसी लोन है, ठीक है, केसीसी लोन क्या होता है, एग्रीकल्चर किसानों को दिया जाता है ना फार्मर्स को, तो उस ट्रांशेस के लिए कोई एटीएम है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रांशेस अलाउ करे तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन लेवल एटीएम। ठीक है, तो तीन टाइप का हम लोगों ने पढ़ा। ब्राउन लेवल में 100% काम आउटसोर्सिंग करती है, एटीएम में कैश लाना, एटीएम मशीन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सारा काम एक बाहर की कंपनी करेगी, तो उसको बोलेंगे व्हाइट लेवल एटीएम, और इसमें जो जो बैंक आता है उनसे वो सर्विस चार्ज लेती है। ठीक है, और आपका व्हाइट लेवल ब्राउन लेवल में क्या होगा कि जो हार्डवेयर होगा वो एक सर्विस प्रोवाइडर एक बाहर की कंपनी करेगी जो कि बैंक नहीं होगा, उसमें कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क का काम बैंक के ऊपर रहेगा, और इसमें जो लोगो है वो भी बैंक का ही रहता है जिसको हम लोगों ने स्पॉन्सर बैंक बोला। ठीक है, तो वो होगा हमारा ब्राउन लेवल। ग्रीन लेवल एटीएम, ये जो एटीएम है पूरा 100% काम सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रांसफर होगा, नॉर्मल कस्टमर्स को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, तो हो जाएगा हमारा ग्रीन लेवल एटीएम। एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होती है और उसका टाइप्स, इसमें जो ये था ना आपका स्टार टॉपोलॉजी, इस पे क्वेश्चन था कि बैंकों में कौन सी वाली टॉपोलॉजी यूज होती है, तो आंसर था आपका स्टार टॉपोलॉजी। ठीक है, तो ये टॉपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, व्हाट इज नेटवर्क टॉपोलॉजी, नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होता है, और नेटवर्क टॉपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन इन नेटवर्क। कोई भी जो नेटवर्क होता है उसमें कैसे नोड्स और कनेक्शन जुड़े होते हैं, तो वो उनका अरेंजमेंट वही हमारा नेटवर्क टॉपोलॉजी। ठीक है, तो जो नेटवर्क है उसमें जो नोड्स होते हैं और जो कनेक्शंस होते हैं किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, किसका नोड्स और कनेक्शन का जो अरेंजमेंट होता है उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टॉपोलॉजी। कितने टाइप की होती है, चार टाइप की होती है। पहला आता है आपका बस टॉपोलॉजी, दूसरा आता है रिंग, तीसरा आता है आपका स्टार, और चौथा और लास्ट है आपका ट्री टॉपोलॉजी। ठीक है, तो चार तरह से नेटवर्क टॉपोलॉजी काम करती है, मतलब ये अरेंजमेंट है जैसे किस तरह से मतलब नेटवर्किंग की जाएगी ना, तो उसका अरेंजमेंट चार तरीके से किया जाता है, बस, रिंग, स्टार और ट्री। बस में क्या होता है,
बस जैसे बस क्या होती है, सीधी होती है इस तरह से ना, तो इसमें अलग अलग जो नोड्स हैं, मान लीजिए कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं तो इस तरह से जुड़े होंगे, एक जगह मान लीजिए वायर खराब हो गई तो उसमें बाकी का जो सिस्टम है वहां पर भी नेटवर्क पहुंचना बंद हो जाएगा। जैसे बस है, मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन है, मेन स्विच यहाँ पे है, तो यहाँ से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पे नेटवर्क फेल हो गया तो बाकी आगे की जगह पे वो नहीं पहुंच पाएगा ना, तो उस तरह का सिस्टम होता है बस में। ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कंटिन्यूस केबल, तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेज हैं नेटवर्क के वो सारे एक ही केबल से जुड़े होते हैं। देखिए ये केबल कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे केबल टूट गई, कुछ हो गया, तो आगे के जो डिवाइस है वो भी काम करना बंद कर जाएंगे। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन ट्रेवल द इंटायर लेंथ ऑफ केबल इन बोथ डायरेक्शन एंड रिसीव बाय, तो जो भी वर्क स्टेशन होते हैं यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन में जो है ट्रांसमिशन ट्रैवल होता है, मतलब यहाँ से वहाँ जाएगा या वहाँ से यहाँ जाएगा। द मेन एडवांटेजेस ऑफ बस इज इट्स क्वाइट इजी, इसको सेटअप करना बहुत ईजी है, बस एक ही वायर लगानी है और डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो इसका फायदा यही है कि इसको सेटअप करना बहुत ईजी है, दिखने में ऐसे बस की तरह लगती है ना ये अलग अलग डिवाइसेस है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया बस टॉपोलॉजी। सेकेंड आता है रिंग टॉपोलॉजी, रिंग में क्या होगा, ये होगी और यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है। ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे डिवाइसेज एक क्लोज लूप में कनेक्ट हैं, एंड इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर द सीरीज, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करती है, यहाँ पे भी वैसे ही केबल कहीं से टूट गई तो बाकी डिवाइसेज काम करना बंद कर जाएंगे। तीसरा आता है स्टार टॉपोलॉजी, स्टार में ऐसा होगा एक सेंटर में नोड होगा मास्टर नोड, और बाकी के सारे नोड्स उसके साथ जुड़े होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए एक मास्टर नोड के साथ यहाँ पे अलग अलग सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्टार में एक तार ब्रेक होगी तो बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाकी अपना बढ़िया से काम करेंगे, तो वही आपका स्टार। सेंट्रल नोड ऑफन एक्ट एज मास्टर, तो यहाँ पे एक बीच में नोड होता है जो कि मास्टर का काम करता है। ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द मास्टर बाय अ सेपरेट मीडियम, तो हर जगह आपको सेपरेट केबल मिलेगी, जो मास्टर नोड है इसके लिए एक केबल, दूसरे केबल, तीन केबल, तो अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग केबल होगा जो कि मास्टर नोड के साथ जुड़ा हुआ होगा। वाइल दिस टॉपोलॉजी गिव द एडवांटेज ऑफ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी टू चेंज, अगर मान लीजिए कोई चेंज है ना तो आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी डिवाइसेस को कोई इंपैक्ट नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप आसानी से इस केबल को बदल सकते हैं, बाकी डिवाइसेस अपना एज इट इज काम करते रहेंगे। उसमें लिखा है कि इसका फायदा यही है कि कभी भी कुछ भी चेंज करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, एंड इफ वन नोड फेल इट विल नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, मान लीजिए इसका नोड फेल हो गया तो बाकी तो बढ़िया से काम करेंगे, जैसे बस और रिंग में ऐसा नहीं था, उसमें अगर एक खराब हो गया तो बाकी सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे बस और रिंग में, लेकिन इसमें क्या है कि एक नोड काम करना बंद कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वाले नोड अच्छे से काम करेंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस है, ये क्या करता है डिसएडवांटेजेस, इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज एवरी ट्रांशन हैज टू पास थ्रू, तो इसमें बड़ी ट्रांशन को नहीं किया जाता क्योंकि हर चीज जो है आपका सेंट्रल नोड से कनेक्ट होता है, तो लार्ज ट्रांशन हैवी ट्रैफिक को ये नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैंक, बैंकों में स्टार टॉपोलॉजी को यूज किया जाता है, ठीक है, तो बैंकों की हर ब्रांच जो है एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होती है, तो हर जो बैंकों की हर, मान लीजिए किसी बैंक की 10 ब्रांच है एरिया में, ठीक है, तो हर ब्रांच अपनी अलग अलग नोड से अलग अलग कनेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच से लिंकेज है या तीसरे से, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता, इसीलिए बैंकों में भी आपने देखा होगा ना कि इधर की कनेक्टिविटी इधर है, मतलब एक सेंट्रल एक मास्टर नोड है जिसके साथ आपकी हर ब्रांच का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, आपस में ब्रांच से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती है, सभी ब्रांचेस एक मास्टर नोड के साथ जरूर कनेक्ट होती है, तो बैंकों में जो सिस्टम यूज होता है वो आपका स्टार टॉपोलॉजी। सेम यही क्वेश्चन था कि बैंकों में कौन सी वाली टॉपोलॉजी को यूज किया जाता है, तो ऑप्शन थे बस, रिंग, स्टार, ट्री, तो आंसर में आपने क्या टिक करना चाहिए था, स्टार, तो जिसने भी स्टार टॉपोलॉजी टिक किया उसका आंसर करेक्ट था, तो ये एक नंबर का पूछा गया था। लास्ट देख लेते हैं ट्री टॉपोलॉजी, ट्री में क्या होता है, इट रिजेंबल अ ट्री, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका ट्री होता है ना देखने में आपको वैसा लगेगा, तो टॉपोलॉजी हैज ए रूट नोड, तो एक रूट नोड होगा जो कि आपका मेन होगा, रूट, इंटरमीडिएट नोड एंड लीफ नोड, तो यहाँ पे एक रूट होगा फिर एक इंटरमीडिएट होगा और एक लीफ नोड, उसके साथ जो ब्रांचेस निकलेगी वो आपका लीफ नोड होगा। द रूट नोड इज द हेड नोड, तो जो रूट है वो आपका हेड है, जैसे ट्री होता है तो उसमें जो पानी पहुंचाने का काम, जब ट्री छोटा होता है पौधा, पानी जो भी सॉयल से पोषक तत्व है वो सब कौन, रूट पहुंचाता है ना, तो जो मेन हेड है नोड का वो है आपका रूट नोड। रूट नोड इज द हेड नोड ऑफ द स्ट्रक्चर, तो जो स्ट्रक्चर बना है ट्री टाइप का इसमें जो मेन है हेड है वो आपका रूट नोड होता है। द लीफ नोड आर द लास्ट नोड, तो जो लीफ नोड है वो लास्ट होती है। एंड डोंट हैव एनी चाइल्ड नोड, जो लीफ नोड है उसके आगे कोई चाइल्ड नोड इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। द स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन ए हायरार्किकल फॉर्म एंड एनी नोड कैन हैव नंबर्स ऑफ चाइल्ड नोड्स, तो बोल रहा है कि आपकी जो ये जो बनती है ये हायरार्किकल फॉर्म में होती है। हायरार्किकल मतलब एक जगह से दूसरी, मतलब जैसे हायरार्किकल मतलब एक यहाँ से मान लीजिए एक रूट नोड आई, फिर यहाँ से, फिर उसके आगे चला, तो इस तरह से जो ट्री की शेप लेता है और एक हायरार्किकल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चार टाइप की आपकी टॉपोलॉजी थी, बस, रिंग, स्टार और आपका ट्री। बस में क्या था कि सभी के सभी एक ही तार से जुड़े होते हैं, बहुत ईजी है इसको स्टैब्लिश करना, ठीक है, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, आसानी से आपका कनेक्शन जो है जा सकता है, ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है मैसेजेस का। रिंग में क्या होता है, एक रिंग है, क्लोज लूप है, मतलब यहाँ पे ओपन नहीं, क्लोज लूप रहती है, बस आपकी एक ओपन लूप है, रिंग आपकी क्लोज लूप है जिसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे भी एक सिंगल ही तार होती है, एक सिंगल नोड होता है। और स्टार टॉपोलॉजी में अलग अलग एक मास्टर नोड होगा जिसके साथ हर ब्रांच एक जुड़ी होगी, ठीक है, और
इसमें क्या होता है कि अलग अलग नोड के लिए अलग अलग जो नोड आपके मास्टर नोड से कनेक्ट होते हैं केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि लार्ज ट्रैफिक को नहीं हैंडल कर सकता। इसका एग्जांपल क्या है, बैंक, बैंकों में ये जो है आपकी स्टार टॉपोलॉजी को यूज किया जाता है। ट्री में क्या होगा, एक रूट नोड होगा जिसके साथ आपका इंटरमीडिएट नोड और लीफ नोड होगा, ठीक है, उसके आगे उसकी चाइल्ड नोड ऐसे हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है। देखिए अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसका कोई टैक्स बना, उसने मान लीजिए अपना टैक्स नहीं पे किया, मान लीजिए उसका टैक्स था 10,000 रुपये, उसने अपना टैक्स नहीं पे किया, ठीक है। अब टैक्स नहीं पे किया, अब ये बात इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता लगी, तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, उस पर्सन को नोटिस भेजते हैं कि टैक्स पे करो। मान लीजिए उसने टैक्स नहीं पे किया उसके बावजूद भी, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, उसके बैंक को बोलेंगे कि ये जो कस्टमर है इसका ये अकाउंट नंबर है, चेक करो इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और हमारा 10,000 रुपये बनता है, तो 10,000 रुपये पे तुम होल्ड लगा दो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन बैंक को दी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, उसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं अटैचमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑर्डर कौन देता है, ये देता है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी। किस एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर अपना टैक्स नहीं पे कर रहा, उसकी जो लाइबिलिटी है उस बेसिस पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि वो जो कस्टमर है उसके अकाउंट पर आप होल्ड पुट कीजिए कितने अमाउंट का, जितना भी उसका टैक्स बनता है या कुछ भी अगर इंटरेस्ट अलग से ले रहा है, तो वो जो भी अमाउंट होगा टोटल उस अमाउंट पे होल्ड पुट करने को बोलती है, यानी कस्टमर उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता और बैंक को कोई बात माननी पड़ती है। अगर बैंक अटैचमेंट ऑर्डर मिल गया और उसके बाद मान लीजिए होल्ड नहीं पुट कर रहा, ठीक है, होल्ड नहीं पुट करने से क्या हुआ कि कस्टमर के पास पैसा था उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, बैलेंस है ही नहीं। ऑर्डर मिल जाने के बाद अगर बैंक होल्ड नहीं पुट करता तो उस केस में बैंक को लायबल माना जाएगा, बैंक को पे कर रहा होगा इनकम टैक्स, ठीक है। तो बैंकों के लिए अप्लीकेशन होता है कि हाँ इनकम टैक्स ने बोला तो उसको होल्ड पुट करना पड़ेगा, वो लेटर जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी का बैंकों के लिए सफिशिएंट है कस्टमर के अकाउंट में होल्ड पुट करने के। द अटैचमेंट ऑर्डर इशूड बाय इनकम टैक्स ऑफिस अंडर दिस एक्ट लेस, तो वही बोल रहा है कि कोई जो असेसी है, असेसी मतलब कस्टमर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ए, तो ए हो गया असेसी, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है अपना टैक्स नहीं पे कर रहा, तो उसकी रिकवरी के लिए ये इंस्ट्रक्शन जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी बैंक को दे सकती है। अंडर सेक्शन 226(3) ऑफ द एक्ट, द इनकम टैक्स ऑफिसर मे बाय गिविंग, वो चाहे तो नोटिस भेजेगा लिख के या कॉल अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंकिंग कंपनी फ्रॉम विच मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू, तो वो बोल रहे हैं कि बैंकों को वो एक लेटर भेजेंगे जिसके तहत बैंकों को वो जो ड्यू पैसा है, किसका ड्यू, इनकम टैक्स का पैसा जो ड्यू है कस्टमर को जो पे कर रहा था, उस पर वो होल्ड करने को पुट करेंगे। तो वही होता है आपका अटैचमेंट ऑर्डर। एक नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कौन इशू करता है, तो आंसर क्या होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करती है। क्यों, कोई पर्सन जो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा, डिफॉल्ट कर रहा है, तो डिफॉल्ट के पेमेंट के लिए जो है ये ऑर्डर, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज गार्निश ऑर्डर, गार्निश ऑर्डर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था अटैचमेंट ऑर्डर, तो ये कौन इशू करता है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करती है, किसको, बैंक को। ये है गार्निश ऑर्डर, इसको कौन इशू करता है, इसको इशू करता है कोर्ट। किसको इशू किया जाता है, ये भी बैंकों को इशू किया जाता है। डिफरेंस दोनों ही में इशू किया जा रहा है बैंकों को, बट डिफरेंस ये है कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करेगी तो उसको बोला जाएगा अटैचमेंट ऑर्डर, अगर कोर्ट इशू करेगा तो उसको बोला जाएगा गार्निश ऑर्डर, ठीक है। दोनों ही केसेस में बैंकों को ही ये ऑर्डर इशू किया जाता है, बैंकों को ही बोला जाता है कि जो कस्टमर है उसके अकाउंट में तुम होल्ड पुट कर दो, ठीक है, तो वो है हमारा गार्निश ऑर्डर। पर कोर्ट क्यों बोलती है, कोर्ट को क्या लेना देना, तो इसमें देखिए ऐसे होता है, गार्निश का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए का, ठीक है, ए ने क्या किया, बी, तो ए की मान लीजिए फैक्ट्री और वो अपने गुड्स बनाता है, तो ए ने कुछ गुड्स बनाए और उसने, बी मान लीजिए उसका सेलर है उसे खरीदता है गुड्स को, तो बी ने उसके गुड्स खरीदे, लेकिन वो जो गुड्स खरीदे उसकी कीमत थी मान लीजिए 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने बोला अभी पैसे नहीं है मैं गुड्स बेच के जो है तुम्हारे को पैसा दूंगा, ऐसा करके बी ने बोला, उसको लेके ए ने एक लेटर ऑफ जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया कि हाँ इतना 10,000 रुपये है और तुम मुझे 2 महीने बाद पे करोगे। 2 महीना हो गया तो ए ने बी को बोला कि मेरे 10,000 रुपये पे करो, तो बी ने कुछ ऐसे बहाना मारा कि नहीं मैं 2 महीने बाद पे करूंगा, तो मतलब बी अब क्या कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, वो पैसा नहीं देना चाहता, बी का इंटेंशन नहीं है पैसा देने का, ठीक है। ए ने उसको 2-3 बार बोला, उसको लेटर भेजा, नोटिस भेजा कि पेमेंट कर दो, पर बी ने नहीं किया। अब ए क्या कर सकता था, वो मान लीजिए कोर्ट चला गया, कोर्ट जाके उसने उसको प्रूफ दिखाया, ये देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर मान लीजिए कोई प्रूफ नहीं होता, मान लीजिए ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं बनाया होता, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई पर्सन ऑरली जाके बोल रहा है मैंने उसको पैसे दिए, तो कोर्ट बोलेगा कोई प्रूफ दो, तो प्रूफ बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने दिखाया, देखिए इसमें बी के साइन है और इसने 10,000 रुपये 2 महीने के बाद देने की बात की थी, तो कोर्ट ने उसको चेक किया, फिर कोर्ट ने बी को लेटर भेजा, बी को लेटर भेजा और साथ के साथ कोर्ट ने जो बी का बैंक है उसको भी एक नोटिस भेजा कि जो बी का पेमेंट है उसको तुम होल्ड कर दो, 10,000 रुपये से होल्ड कर दो, ऐसा बैंक को बोला, किसने, कोर्ट ने बोला, और अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो आगे जो डिसीजन होगा उस हिसाब से बैंकों को एक्ट करना होगा। तो इसमें सिर्फ अकाउंट को होल्ड पुट करने के लिए बोला है कि वो जो कस्टमर है, जो बी है, वो अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ ना कर ले, ठीक है। ये ऑर्डर आपका आ गया कोर्ट का, तो इसी को बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर।
और किस पर्पज़ के लिए, तो पर्पज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई कस्टमर अगर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, तो कोई कस्टमर अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस में जो है आपका जो प्रिंसिपल डेटर है, डेटर कौन था, बी जिसने लोन लिया था ना, तो प्रिंसिपल डेटर को जो है ये पेमेंट करनी होती है। और इसमें क्रेडिटर कौन है, ए जिसने पैसा दिया, तो क्रेडिटर का डिफॉल्ट कर रहा है कौन कर रहा है, सॉरी प्रिंसिपल डेटर जो है डिफॉल्ट कर रहा है, जो पेमेंट उसको क्रेडिटर को करनी है, तो उसी के रिगार्डिंग कोर्ट जो है एक इश्यू करता है, एक नोटिस जारी करता है कि इसकी पेमेंट जो है करनी है, और अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो बैंकों को बोलेगा कोर्ट कि तुम इसके अकाउंट में, बी के प्रिंसिपल डेटर के अकाउंट में होल्ड पुट कर दो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन बैंकों को दी जाती है कोर्ट के द्वारा, इसी इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है गार्निशन। प्रॉपर एक लेटर देता है कोर्ट, उसी लेटर में लिखा होता है डेटर हु ओन मनी इज कॉल्ड गार्निशी। तो इसमें गार्निशी किसको बोला जाता है, जिसका ओन है, जिसका पैसा। अब बैंक इज अ डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस, तो इस केस में बैंक डेटर हो जाएगा क्योंकि बैंकों को पैसा होल्ड पे करना होता है। व्हेन ए कोर्ट इशू ऑर्डर अटैचिंग द क्रेडिट बैलेंस, तो जो कस्टमर है उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव का, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको लेके कोर्ट एक लेटर जारी करता है बैंकों को कस्टमर के रिगार्डिंग कि उसके उसके जो है होल्ड पुट कर दो। द बैंक ऑन रिसीप्ट ऑफ सच ऑर्डर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑनरिंग चेक, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक को जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिल गई, जैसे ही वो लेटर इशू हुआ कोर्ट का, तो बैंक क्या करता है, कस्टमर का कोई चेक जा रहा है क्लियरिंग में तो उस सबको बैंक प्रोहिबिट करेगा, ठीक है, और जो कोई भी टाइप की पेमेंट होनी तो पेमेंट नहीं होने देगा, जितना अमाउंट मेंशन है उस अमाउंट तक की बात की जाए। ऑन रिसीप्ट ऑफ गार्निश ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट और अटैचमेंट ऑर्डर फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज, द बैंक शुड इमीडिएटली स्टॉप डेबिट ऑपरेशन, तो बोल रहे जैसे ही इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो अकाउंट में बैंक जो है डेबिट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, एंड इंटीमेट द कस्टमर ऑफ ऑर्डर एंड रिजल्ट स्टॉपेज ऑफ द ऑपरेशन। तो कस्टमर को बैंक इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा लेटर के थ्रू कि आपके जो है अकाउंट में ऐसा ऑर्डर आया है और हमने आपके अकाउंट को होल्ड पे पुट किया, तो आगे से आपके अकाउंट में डेबिट ट्रांसफर्स अलाउ नहीं होगी जब तक कि हमारे को फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते। तो ये चीज़ बैंक खुद करेगा और साथ साथ कस्टमर को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि ऐसा कुछ हमने किया, तो इसी चीज़ को बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर। इसको लेके भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है इसको भी हम, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में आगे के और हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और टू हैंड्स की ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 500-400 के आसपास, आपको 400 से 500, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया क्योंकि जो आपका इंडियन इकोनॉमी है वो कुछ 525 के आसपास क्वेश्चन आंसर्स थे, और ये जो पीपीपी है इसका मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किया, बट ये आई थिंक 400 to 500 के बीच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। ये आपको ये जो पीडीएफ आपको टू हैंड्स ऐप से सीधे ही मिल जाएगा, इसके लिए आपको कुछ भी परचेस नहीं करना, फ्री में आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इनको आप जरूर अवेल कर लीजिए, और जो वीडियोस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की उनको आप जरूर देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफी आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।